हैप्पी दिवाली गाइस। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे पटाखे हैं और इन पटाखों को मैं चलाना चाहता हूँ, लेकिन गाइस यार जनरली दिवाली के टाइम में हम जब भी पटाखे चलाते हैं तो पटाखे चलाने के टाइम में कुछ वैसा होता है। उधर देखो, ध्यान से देखना, डर लगता है, डर वीआईपी है, बहुत भारी। भागो भागो। लेकिन गाइस ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी सेफ तरीका नहीं है पटाखे जलाने का, क्योंकि इसके अंदर हमें टाइमिंग का पता नहीं होता है कब पटाखा चलेगा और हम उसके बिल्कुल पास में रहते हैं। अगर मान लो कि फ्यूज बहुत ज्यादा तेजी से चल गया तो हो सकता है कि अपने मुंह के पास में भी पटाखा फट जाए और अपने को इंजरी हो जाए। इसीलिए गाइस इस दिवाली को काफी ज्यादा सेफ बनाते हुए हमने बनाया है एक ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से हम वायरलेसली, जी हां गाइस, रिमोट से ही जहां से चाहे जितनी दूरी से चाहे उतनी दूरी से पटाखे चला सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं। तो ये वो प्यारा सा सिस्टम, ये काफी छोटा है, काफी कॉम्पैक्ट है और साथ ही साथ रिमोट कंट्रोल्ड है, यानी कि वायरलेसली है। तो इसकी मदद से हम इसके अंदर से हम इसे भी चला सकते हैं, इसकी मदद से हम स्काई शॉट भी चला सकते हैं, इसकी मदद से हम चक्री भी चला सकते हैं, इसकी मदद से हम रॉकेट अनार सारे पटाखों को वायरलेसली चला सकते हैं। तो गाइस यार काफी सिंपल सा है बनाना, कैसे हमने इसे बनाया ये अगर बताने बैठूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। इसके अंदर एक बैटरी है और बैटरी को इस तरीके से हम पावर दे देते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आर्डुइनो है, आर्डुइनो को भी इससे पावर मिल जाती है। यहाँ पे बत्ती जल गई है, हो सकता है धूप में आपको दिखाई नहीं दे रही हो। और यहाँ पर है एक कमाल का फिलामेंट। गाइस यार ये जो फिलामेंट है, अगर मैं रिमोट के अंदर से बटन को प्रेस करता हूँ तो ये जो फिलामेंट है ये गर्म होता है और इतना गर्म होता है कि जो बारूद होता है उसे इग्नाइट कर देता है और फिर होती है दिवाली बूम, यानी कि दूर से ही हम पटाखों को चला सकते हैं। मैं बटन को हटा देता हूँ क्योंकि बैटरी बैठ जाएगी, इसे चार्ज तो करना ही पड़ता है यार। इसे वापस कर देते हैं बंद। और साथ ही साथ गाइस यार ये वाला जो रिमोट है ये काफी ज्यादा भारी है, इसीलिए हमारे पास है छुटकू मुटकू सा रिमोट जो कि कनेक्ट है इस कंट्रोलर के साथ में, यानी कि हम इसके साथ में पटाखे लगा देते हैं और फिर दूर से ही इसे हम चला सकते हैं। गाइस इसकी बहुत ज्यादा रेंज तो नहीं है लेकिन हमारा जो पूरा ग्राउंड है उसके अंदर इसकी रेंज कैच कर जाती है और काम हो जाता है। गाइस यार इसके अंदर भी दो बटन है, ए और बी। जो ए वाला बटन है वो है इंस्टेंट बूम और जो बी वाला बटन है अगर हम उसे दबाते हैं तो 3 सेकंड का डिले होता है, 1 2 3 और फिर होता है बूम। ऑलराइट गाइस यार बातें बहुत सारी हो गई है, अब क्या करते हैं इन सभी पटाखों को हम चला के दिखाते हैं इस रिमोट की मदद से। आप प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी भी दिवाली अच्छी बन जाए। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। तो गाइस यार ये तैयार है हमारा रिमोट और सबसे पहले चलाते हैं इस वीआईपी को क्योंकि सबसे ज्यादा मजा इसी के अंदर से आता है। तो चलो आ जाओ। तो गाइस यार पटाखे को भी हमने कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट कर दिया है, साथ साथ तार की लंबाई हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि हमारा कंट्रोलर खराब ना हो। गाइस यार तार की लंबाई को हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा और जो वायर है वो गर्म नहीं होगा और हो सकता है कि हमारा सिस्टम फेल भी हो जाए। तो गाइस यार ये रख दिया मैंने पटाखे को यहाँ पर और ये रहा कंट्रोलर, कंट्रोलर का जो स्विच है उसे भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये सारा सिस्टम ऑन हो गया है गाइस, अभी करते हैं बूम 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 दूर से ही। कैमरामैन तैयार? तैयार। ऑलराइट गाइस अब करते हैं 3 2 1। इतनी दूर से भी हमने पटाखे को जला दिया, बाकी गाइस यार इसके चितड़े उड़ गए। अच्छा वहाँ के हमारा जो कंट्रोलर है वो बच गया है, ये देखो हमारे कंट्रोलर को कुछ भी नहीं हुआ, बटन ऑफ कर देता हूँ। और साथ साथ गाइस इस कंट्रोलर की सबसे कमाल की बात ये है कि इसे हम जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल में ले सकते हैं, बस जब तक की बैटरी खत्म ना हो तो कुछ और धमाके करते हैं। बूम 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 बूम। गाइस अब चलाते हैं रॉकेट्स को, रॉकेट्स के लिए भी सिस्टम तैयार है। आ जाओ। और गाइस बोतल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोतल के अंदर रॉकेट को चलाना सेफ रहता है, हालांकि हमारे पास तो डबल सेफ्टी है, डबल डबल 1 2 3। वो बूम। वो ग
गाइस अब ट्राई करते हैं स्काई शॉट के जो फ्यूज है इसे निकाल देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। गाइस ये स्काई शॉट भी हमारा तैयार, स्विच ऑन, बूम अभी चलते हैं। स्काई शॉट इन 3, 2, and 1। गाइस यार स्काई शॉट के अंदर तो मजा आ गया, अब ट्राई करते हैं अनार को। तो गाइस अनार भी ठीक वैसे ही, थोड़ा कंट्रोलर दूर रख देते कि इसके अंदर से स्पार्क्स आ सकते हैं। ऑलराइट गाइस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी करते हैं 3, 2, and 1। ऑलराइट 1, 2, 3। अबे उधर कर, जल गया वो, जल गया उधर कर। कंट्रोलर बच गया। अब ट्राई करते हैं चक्री, गोल गोल चक्री। गाइस अब ट्राई कर रहे हैं इस चक्री को, तो आर हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है इस बारी। अब देखते हैं कि इस तरीके से चक्री चलती है या फिर नहीं। और मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, कुर्सी लेके आता हूँ। गाइस अब आपके सामने ही मैं करने वाला हूँ, एक दो तीन। ओ चल गई, ओ मेरा कंट्रोलर। चक्री चल रही है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अरे वाह 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 वाह, चलने दे भाई चलने दे। खत्म।